शाम का समय है। बाघिन सूखी झाड़ियों में घात लगाए बैठी है अपने शिकार के इंतजार में। एक असहाय हिरन, वह घास में छिप जाती है। उसकी खाल वहां आसपास की चीजों से छलावरण कर लेती है। एक मिनट रुकते हैं और इसकी धारियों को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। क्या आपको पता है कि किसी भी बाघ की धारियां समान नहीं होती? हर कोई अनूठा होता है और ये कुछ कुछ बाघ की उंगलियों के निशान की तरह होते हैं। बाघों को ये धारियां आखिर मिली कैसे? इसका वैज्ञानिक जवाब बहुत ही आसान है, क्रमिक विकास। इन धारियों का विकास होने में हजारों साल लगे हैं ताकि जानवर को आसपास के परिवेश में घुलने मिलने में आसानी हो और जिंदा रहने में मदद मिले। लेकिन कुछ ही लोग समझ पाते हैं कि यह स्वरूप जीवन के विकास के दौरान उत्पन्न हुए हैं। और मजे की बात है कि ये रहस्य सुलझाया गया एक गणितज्ञ द्वारा, न कि किसी जीव विज्ञानी द्वारा। जिस आदमी ने यह बाघों की धारियों वाला रहस्य सुलझाया वह थे एलन ट्यूरिंग। वे एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिनका जन्म 1912 में हुआ और वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एनिग्मा कोड तोड़ने में कामयाब होने की वजह से मशहूर हुए। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई जो मूल रूप से एक आम इस्तेमाल के कंप्यूटर का एक मॉडल था। उन्नीस ट्यूरिंग पर समलैंगिकता का मुकदमा चलाया गया। उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता अवैध थी। पकड़े जाने पर ट्यूरिंग को जेल जाने की संभावना का सामना करना पड़ा। भयावह विकल्प थे अपने शरीर में महिलाओं के हार्मोन डलवाना, रासायनिक बंधकरण के बराबर। इन दो विकल्पों का सामना करने पर उन्होंने महिलाओं के हार्मोन लेना उचित समझा। दो साल बाद इस जिंदगी से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। बाद की जांच से पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। इन सब व्यक्तिगत नाटकीय घटनाक्रम में भी उन्होंने एक दूरदर्शी पेपर प्रकाशित करवाया जिसका शीर्षक था द केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, जो कि गणित की प्रकृति नियमित रूप से किसी पैटर्न को दोहराने पर था, जैसे बाघ की धारियों और जेब्रा फिश, तेंदुए के धब्बे या मगरमच्छ के दांत की पंक्तियों में रिक्त स्थान। जब हम उसकी त्वचा की रंगत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वह मेलानिन उत्पादन का परिणाम है। ज्यादा मेलानिन मतलब ज्यादा गहरा रंग और कम मेलानिन मतलब हल्का रंग। ट्यूरिंग ये पता लगाने में कामयाब रहे थे कि यहाँ एक नहीं दो रसायन काम कर रहे थे, इसीलिए यहाँ रंगों की एक रूपता नहीं थी। वह दो रसायन थे, एक उत्प्रेरक जो रंग का उत्पादन करता है और दूसरा अवरोधक जो उसे रोकता है। ट्यूरिंग ने ये प्रस्तावित किया कि ये दो रसायन एक प्रणाली में बिल्कुल वैसे ही फैलते हैं जैसे गैस के परमाणु एक बक्से में, बस एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ। समान रूप से प्रसारित होने की बजाय ये रसायन, जिन्हें ट्यूरिंग ने मॉर्फोजीन्स का नाम दिया, वह अलग अलग रूप से प्रसारित होते हैं। इसमें गणित कहाँ है, यही सोच रहे हैं ना आप? ट्यूरिंग ने कुछ गणितीय समीकरण, आंशिक अंतर समीकरण, जो ये दर्शाते हैं कि जब उत्प्रेरक और अवरोधक अलग अलग गति से प्रसारित होते हैं वे उत्तम किस्म के पैटर्न उत्पन्न करते हैं जो हमें जीव जगत में देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक जिज्ञासु सदृश्य इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि यह कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए एक टापू की जहां केवल नरभक्षी और ब्रह्मचारी मिशनरियों की आबादी है। अब वहां ये दो समूहों की जनसंख्या टापू पर कैसे बढ़ेगी? आइए पहले मिशनरीज पर नजर डालते हैं। ये ब्रह्मचारी हैं तो ये अंततः खत्म हो जाएंगे और इन्हें नरभक्षी खा भी सकते हैं। हालांकि ये कुछ नरभक्षियों को मिशनरी में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह काम करेगा, जब दो मिशनरी एक नरभक्षी से मिलेंगे तो नरभक्षी मिशनरी में बदल जाएगा। अब अगर नरभक्षियों की बात करें तो वह प्रजनन कर सकते हैं तो जाहिर है उनकी संख्या बढ़ेगी। इस योजना के तहत नरभक्षी उत्प्रेरक हैं और मिशनरी अवरोधक की भूमिका में। इस टापू पर हम अंततः इन दोनों की एक स्थिर मिश्रित स्थिति पर पहुंच जाएंगे। अब कल्पना कीजिए यदि मिशनरीज के पास साइकिल होती वह और नरभक्षियों को बदल सकते थे, क्योंकि अब वह ज्यादा बड़े क्षेत्र तक पहुंच रख सकते थे। उनका ध्यान टापू के दूर दराज के इलाके तक केंद्रित था जो बाद में मिशनरियों के साथ संतृप्त हो गया था। दूसरे इलाकों में नरभक्षी अपनी संख्या बढ़ा रहे थे क्योंकि वह प्रजनन कर सकते थे। प्रक्रिया की ये दर नरभक्षियों के मिशनरी में बदलने की और संचार, कितनी जल्दी नरभक्षी और मिशनरी अपना स्थान बदलते हैं, अंतिम पैटर्न तक पहुंचना निर्धारित करेगा।
इस स्पष्टीकरण की खूबसूरती है कि ये हमें ये भी बताता है कि कैसे कोई दो बाघों की धारियां एक सी नहीं होती और कैसे उनकी उम्र के साथ साथ ये पैटर्न बदलते रहते हैं। ये जीवित पैटर्न उत्प्रेरक और अवरोधकों के बीच बेरोक टोक प्रक्रिया का परिणाम है और ये पूरे जीव जगत में काम करता है, जिराफ और हिरन के धब्बों से लेकर चूहों के रंग तक। जब ट्यूरिंग ने यह सिद्धांत प्रकाशित किया तो इसे पेचीदा लेकिन विचारवान माना गया। मजे की बात है कि ये 2012 का समय था जब इस सिद्धांत को प्रयोगात्मक स्थापना मिली। यह किंग्स कॉलेज लंदन में चूहों पर किए गए प्रयोग के माध्यम से किया गया। शोधकर्ता चूहों में मुंह की ऊपरी तरफ रिज्ड पैटर्न का अध्ययन कर रहे थे और एक साथ काम कर रही मॉर्फो जीन्स की जोड़ी की पहचान करने में कामयाब रहे, जो ये तय कर रहे थे कि रिज का गठन कहाँ किया जाएगा। ये पहली बार था जब जीव विज्ञानी किसी 60 साल पुराने सिद्धांत का प्रत्यक्ष निहितार्थ निरीक्षण करने में सफल रहे।